अपने बारे में बताइए। माय नेम लोकेश सिंह, माय फादर्स नेम इज मिस्टर वीरेंद्र सिंह, आई एम डिप्लोमा होल्डर। ओके। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाचा बहुत मैंने फिर से डिप्लोमा किया। ओके। 71-72% मार्क्स। फैमिली में कौन कौन है आपके? माता जी हैं, पिताजी हैं, बहन है। पापा जी क्या करते हैं आपके? मानेसर में जॉब करते हैं। मानेसर में कौन सी कंपनी में? कंपनी का नाम नहीं पता लेकिन प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा। सेक्टर 5 में। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश एटा। ओके, तो रहते ही हैं आप? नहीं, अभी तो कोर्स चल रहा है तो इसलिए पीजी ले रखा है यहाँ पे। हाँ, बस दो चार दिन का रह गया, बस खत्म हो जाएगा। कहीं काम किया आपने? सनबीम कंपनी गुड़गांव में, वो बाबुल वाले प्लांट में किया है। अभी नया प्लांट खुला है, उसी में किया था सनबीम। ओके। ये डिप्लोमा आपने कोरेस्पोंडेंस को नहीं किया था? कैसा? रेगुलर किया था? रेगुलर, डेली बेसिस 3 इयर्स। सनबीम में आप क्या करते थे? आपके वहाँ जॉब प्रोफाइल क्या थी? हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर था, लाइन का इंस्पेक्शन करते थे बस यहीं के बाद। अच्छा। कितनी सैलरी मिलती थी आपको? CTC 15,400 थी। NN 13.5, कोई छुट्टी नहीं है तो 13.5। ओवर टाइम पे ड्यूटी आवर्स कितना था आपका? ओवर टाइम ड्यूटी मतलब 8 घंटे वर्किंग थी या 12 घंटे? 8 घंटे अपनी मर्जी से थी, यहाँ पे 8 घंटे भी कर सकते हो, फिर इच्छा है उनकी जरूरत है तो 12 घंटे भी कराएंगे, जरूरत है 16 घंटे भी करा सकते। बैंक ट्रांसफर कितनी आती थी आपकी भाई? लगभग सैलरी 14-15 बैंक के अंदर आती थी। हाँ, ओवर टाइम लगा के। हाँ, ओवर टाइम जैसे मान लो जरूरत है तो कर लेते थे, संडे नहीं जरूरत है उनको तो संडे करता था, जैसे जरूरत है उन्होंने कहा रुक जाओ तो रुक जाते थे। फिर वहाँ से क्यों छोड़ दिया आपने? मेरे को प्रोडक्शन में उनसे कहा था सर से, तुम्हारे मैनेजर सर से कहा था कि मेरे को प्रोडक्शन में कर दो। प्रोडक्शन में किया नहीं, मैं प्रोडक्शन में काम करना था, पहले भी कहा था, मेरी जरूरत थी इसलिए नौकरी की थी। पार्टी आगे क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? अभी तो आपकी उम्र है यार पढ़ाई करने की। सर भाई पैसे की दिक्कत है, मतलब पापा प्राइवेट जॉब करते, 10,000 में क्या आता है, 5,000 रहने के चले। यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ पर 1.5 महीना हो गया। यहाँ पे कोर्स हो गया पूरा? हाँ, बस 1-2 दिन का रह गया बस पूरा ही। ज्वाइनिंग कितने टाइम में कर लोगे आप? इस हफ्ते के बाद कर लेंगे, मंडे को। एक हफ्ते के बाद में? इस हफ्ते अभी मंडे है तो शुक्रवार को या मंडे को कर लेंगे। अच्छा। क्वालिटी में आपने कितना टाइम काम किया? क्वालिटी में 6 मंथ। बनता क्या था सनबीम में? सनबीम में मारुति के पार्ट और होंडा के, मारुति के 90% वो पार्ट बनते थे, होंडा के लगभग 10% होंडा और हीरो के 10% पार्ट बनते थे। मतलब किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग? शीट मेटल था या फिर मैन्युफैक्चरिंग था? अल्युमिनियम पार्ट बनते थे। अल्युमिनियम के पार्ट और उसके इंजन के पार्ट बनते थे सारे। ठीक है, तो उनमें ऑपरेशंस क्या क्या थे? मशीनिंग ऑपरेशन, मशीनिंग का। तो मशीन में कौन सी कौन सी मशीन थी? BNC मशीन थी, CNC टर्निंग थी, लीकेज। तो आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया क्वालिटी में? क्वालिटी में इन्फेक्शन का काम था तो आपने अपनी जरूरत। फाइनल PDA पे थे या फिर उसके ऊपर थे? फाइनल प्रोसेस में, यानी कि मशीनिंग के बाद 100% पे थे। देखो, एक तो होता है इन प्रोसेस इंस्पेक्टर होता है। हाँ। जो लाइन जो चलती है प्रोडक्शन की। हाँ। उसके ऊपर मैं हर 2 घंटे में इंस्पेक्शन करता है। हाँ। और एक होता है कि फाइनल, जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा आउटपुट तैयार हो जाता है तब उसको चेक करता है एक एक डायमेंशन को। तो आप कौन सी वाली उसमें थे क्वालिटी में? मैं मशीनिंग के बाद पार्ट निकलता है, हर पार्ट चेक करते थे। हर पार्ट चेक करते थे? तो उसमें हर पार्ट जरूरत क्यों पड़ती? मतलब एक पार्टिकुलर मशीन पे रहते थे वहाँ पे? मशीन वाले चेक नहीं करते थे। मशीन वाले ऑपरेटर निकाल दिए, ऑपरेटर पार्ट निकाल दिया, देखा नहीं, तो हमको हर पार्ट चेक करना पड़ता था। हमारी बात भी 200% का लगा था, वो पार्ट भी हर पार्ट चेक करना। अच्छा, तो मशीन के आसपास ही रहते थे? हाँ, मशीन के जब तक चलेगी तब तक खड़ा रहना पड़ेगा, 8 घंटे चले, जब तक दूसरा इंस्पेक्टर नहीं आता आपको जाना नहीं। तो मशीन का सही टाइम कितना था? लगभग एक मिनट से कम था, 50 सेकंड हुआ। और गेजिंग और चेक करने में कितना टाइम लगता था? गेजिंग 30 सेकंड, गेजिंग में लगभग ज़्यादा, हमारा पार्ट छोटा था तो गेजिंग कम टाइम लगता था। तो वो तो ऑपरेटर भी कर सकता था, उसमें आपकी जरूरत क्यों थी? ऑपरेटर वो मैनेजमेंट के ऊपर होता है, कैसा मैनेजमेंट कराता है। तो अच्छा, तो ऐसे हर मशीन के ऊपर में हर एक इंस्पेक्टर होता था? नहीं, फिर पार्ट बनना पहले BNC मशीन पे, फिर टर्निंग पे आता था, लीकेज, वॉशिंग लीकेज, तब मेरे पास आते थे।
मतलब एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, फिर आप उसकी पूरे जितने भी प्रोसेस हुए हैं सारे उस प्रोसेस को आप चेक करते हैं। हां सारे ऑपरेशन चेक करेंगे। ठीक है, एक तरह से वो फाइनल पीडीआर ही है आपकी। हाँ, फाइनल। और अगर प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है तो वो जाके इन्फॉर्म करते हैं प्रोडक्शन वालों को। प्रोडक्शन वालों को ये आपके गलत चल रहा है, इसको सही करा है, मशीन बंद कर। तो जैसे आपने बताया एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्यों है? क्वालिटी में ठीक नहीं लगा था प्रोडक्शन। क्या सही नहीं दिखा क्वालिटी का? क्वालिटी में आगे कोई ग्रोथ कम दिखी, कम है लेकिन है उसमें भी, लेकिन कम दिखा उसमें। अच्छा, आपने कुछ टाइम दिया क्वालिटी में, फिर आप प्रोडक्शन में, फिर एक तरह से वो क्वालिटी का टाइम जो है आपका फ्लश हो जाएगा। वो फिर एक्सपीरियंस में एक तरह से काउंट नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन में जब प्रोडक्शन ही करना है। अच्छा, प्रोडक्शन में भी कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोई मशीन का किसी में इंटरेस्ट? सीएनसी बीएमसी, किस में? बीएमसी। बीएमसी में? तो बीएमसी में कुछ सीखा अभी तक? हाँ। क्या सीख रहे हो? प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑफसेट। अच्छा, जब हमें पार्ट बनते थे, जब का एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रोडक्शन में होता था, जाके मशीन पर देखते थे? हाँ। कि भाई क्वालिटी में रहते थे? नहीं, कभी मशीन पे देखने जाते थे, देखने के लिए जाते थे। ठीक है। अच्छा, ये आपने प्रोजेक्ट जो है कॉलेज में किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। हाँ। क्या किया उसके बारे में बता सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में? इसकी सुरक्षा एवं मान लो हमारी ब्रेक है, ब्रेक को सुरक्षा एवं दक्षता बढ़ाने के लिए, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान लो हमारे है उसको रोकने के लिए, जैसे अभी अभी घर्षण में भी रोकते हैं इसको, ब्रेक को भी रोकते हैं, तो उसमें हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो उसको रुकता है, इलेक्ट्रिक की मदद से रुकता है, जिससे हमारी एफिशिएंसी और सेफ्टी बढ़ती है, सुरक्षा। ओके, थैंक यू। हाय प्रदीप, कैसे हैं? ठीक है भैया, बिल्कुल तो प्रिपेयर है? हाँ जी सर। कोई दिक्कत, घबराहट तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। ओके, कंफर्टेबल। प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर, माय नेम प्रदीप कुमार। यस, आई एम फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश। आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन 2017, देन आई एम वर्किंग टिल नाउ। ओके, फैमिली के बारे में? यस सर, इन माय फैमिली फादर, मदर, टू ब्रदर, वन सिस्टर। तो फादर क्या करते हैं आपके? लेबर, चिनाई का काम करते सर। ओके, और ब्रदर आपके बड़े हैं या छोटे हैं? सब बड़े सर। क्या काम करते हैं सर? एक ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवर है सर। ओके, एक मेंटेनेंस में सर। ओके, सिस्टर की शादी होगी सर। आपने डिप्लोमा कब किया था? सर 2017 में किया था। उसके बाद आपने क्या किया, कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपका? जी सर, मैंने पहले डीटी की थी जीकेएन से, उसके बाद सर फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब की है जिंदर इंडिया में, मनी सर में। तो वहाँ पे आप क्या काम करते थे सर? कहाँ पे सर, जीकेएन में या जीकेएन? सर वहाँ असेंबली लाइन पे था। असेंबली लाइन में क्या प्रोडक्ट है सर? ड्राइव लाइन के चाइल्ड पार्ट बनाती थी कंपनी, मारुति की वैन रहती, होंडा की थी। तो अभी यहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं यहाँ से? जी सर। से तो कंप्लीट हो गया आपका? जी सर। आप अभी कहाँ रह रहे हैं आप? सर अभी नोएडा रह रहा हूँ सर। नोएडा? जी सर। तो वहाँ जॉब कर रहे हैं? जी सर। किस कंपनी में? सर सनस्टार में। वहाँ पे क्या रोल है आपका? सर सेटर है, टू प्रोग्रामर। ओके, कितनी सैलरी मिलती है आपको? सर वहाँ सी टी सी 23 है। 23 सी टी सी है। जी मैम, कितना आता सर? अभी इस बार आएगी 20 के आसपास, 20 के अराउंड आएगी सर। आई है अभी इस बार आएगी सर? आएगी जी सर, अभी एक महीना हो जाएगा। तो गुड़गांव जो करने में कोई इश्यूज? नो इशू सर, कोई इशू नहीं। यस सर, थैंक यू सर। अभी सर 4 दिन का सैलरी आया है जी सर, वो मेरा सर 3768 के आसपास आया। ओटी लगा हॉर्स कितने हैं वहाँ पे? ओटी सर कभी 2 घंटे है, कभी 4 घंटे है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 4 घंटे, कभी 2 घंटे करवाते हैं, कभी 4 घंटे, काम के ऊपर रहता था। काम कम है तो 8 घंटे करा के भेज देंगे, थोड़ा काम ज़्यादा है तो 4 घंटे रोक लेते हैं, 2 घंटे रोक लेते हैं, रोक लेते हैं और टाइम जी सर। ओके, ऐसे फिक्स नहीं है कि 12 घंटे करनी है। तो आपकी जो सैलरी है ये 12 घंटे की है? सर ये मिक्स है, इसमें कहीं किसी दिन 10 घंटे रुका हूँ, किसी दिन 12 घंटे, ऐसे सर। नहीं, जो 23,000 आपकी? नहीं, 8 घंटे की सर। कुछ जी कोड एम कोड में फर्क क्या होता है? बता सकते हैं? जी सर, एम कोड बिजनेस कोड होते हैं मशीन के लिए,
ओनली हम बात करते हैं ऑन ऑफ के काम करते हैं इसमें जी कोड हमारे एक जियोमेट कोड होते हैं जो पार्टी से बनाने वाली हेल्प करते हैं सर जी कुछ वीएमसी में पोलर प्रोग्राम के बारे में कुछ जानते हैं जी सर जी 16 अच्छा किस लिए यूज करते हैं सर हम पोलर कोऑर्डिनेशन के लिए सर एग्जांपल से बता सकते हैं हां मान लीजिए सर ये सर्कल है मेरे पास इस पे मुझे 8 होल करने हैं इस डी पे तो वहां पे जी 16 का यूज करके मैं एक्स और वाई की वैल्यू डाल के तो वहां पे सर सर्कुलर कर सकता हूं एंगल के थ्रू अच्छा हम टूल का टच पॉइंट कौन सी एक्सिस में लेते हैं सर जेड एक्सिस में लेते हैं जेड में लेते हैं ओके आपने कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया सर एंगल किया हूं और जैसे बोरिंग टूल यूज किया हूं और ड्रिल किया हूं सर टेपिंग किया हूं और यू ड्रिल यूज किया हूं सर अभी वहाँ पर ज़्यादा यू ड्रिल यूज हो रहा है अच्छा क्या हम विदाउट ड्रिलिंग किए टैपिंग कर सकते हैं नो सर क्या होगा अगर करेंगे तो सर टैपिंग सर टूट ब्रेक हो जाएगा उसको जी सर ड्रिलिंग से ही पहले सेंटर ड्रिल मारनी पड़ती है हमें ठीक है अच्छा ये जीकेएन में आप क्या काम करते थे सर असेंबली लाइन पे था ऑपरेटिंग करते थे ओके और उसके बाद ये यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी आपकी कौन सी है सर जिंदर इंडिया जिंदर इसमें क्या करते थे सर ऑपरेटिंग करता था सर किस पे बीएमसी पे सर बीएमसी पे कितने टाइम काम किया यहाँ पे सर 6 ईयर था कोई कोई क्रिटिकल होता था तो एक घंटा डेढ़ घंटा ऐसे चला जाता एक्सेल वगैरह जानते हो थोड़ा सा बेसिक है मेरा बेसिक जानते हो कि इतना मतलब यूज नहीं है नहीं सर अभी यूज में आया नहीं जी सर ठीक है और कुछ आपको मेरे से पूछना हां सर जो ओनर कंपनी कंपनी की तरफ से रहेगी या ठेकेदारी सर कंपनी का जो ड्यूटी टाइम रहेगा 8 का 12 घंटे रहेगा वो देखो डिपेंड करेगा अभी तो वैसे 8 घंटे की वर्किंग होती है आवर्स होती है 4 घंटे का ओटी होता है देखो क्या है कि कंपनी में ना हर तरह की कैटेगरी होती है कुछ जगह लेबर क्लास भी होती है तो लेबर क्लास के थोड़ा सा माइंड में रहता है कि यार हम 8 घंटे काम करेंगे तो फिर रेस्ट हम अपना टाइम क्या करेंगे उसमें तो वो लोग क्या करते हैं उनको इंसेंटिव भी मिल जाता है उसका 4 घंटे मतलब ऐसा है कि जितने भी अभी लोग काम करते हैं ऑलमोस्ट 12 घंटे की उनकी है वर्किंग आवर्स जो है 8 घंटे का वर्किंग आवर्स और 4 घंटे का हमारा ओटी सिंगल बाकी अगर कई बार कॉलेज प्लेसमेंट से पढ़ के आते हैं तो वो भी 8-8 घंटे की रोटेशन की शिफ्ट में चलती है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 8 घंटे करना चाहते हो 12 घंटे करना उसमें आपको बेनिफिट है आप बाहर रहोगे खर्चा निकल आएगा थोड़ा टाइम में रूम पे जाके भी तो रेस्ट ही करना है इतना बोलो सर कंपनी में कैंटीन है कैंटीन में हमारा वैसे खाने का फूड वहाँ नहीं मिलता जी सर कैंटीन है हमारे पास वहाँ बैठ के खा सकते हैं हम हाफ आवर का गैप देते हैं उसमें आप चाहे बाहर मार्केट वहाँ खा के आओ या वहाँ बैठ के आराम से लंच करो उस तरह की फैसिलिटी है यूनिफॉर्म है जो हमने यूनिफॉर्म पहन रखी है बिल्कुल वही आपको मिलेगी ठीक है सब कुछ मिलेगा आपको लोकेशन क्या था कंपनी हीरोंडा चौक के पास में जी जी गुड़गांव में हीरोंडा चौक के पास सर्च करोगे तो ऑलमोस्ट हीरोंडा चौक से 1 से 1.5 किलोमीटर 5-7 मिनट लगती है वहाँ से ईजिली आपको ट्रांसपोर्ट भी बाई भी जा सकता है एनीथिंग एल्स और कुछ अच्छा ज्वाइनिंग तुरंत सर 1 तारीख से ज्वाइन होगी एक्चुअली सर क्या ना अभी छोड़ूंगा तो फिर मेरा सैलरी होल कर देंगे अच्छा जी सर 1 तारीख तक करूंगा बोल भी दूंगा सर 5-10 दिन पहले तो उसमें ये रहेगा पहले बोल दिया ओके तो वहाँ पे सेटअप लेवल पे ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्टर पे ही है सर कंपनी लेवल पे कोई प्रोग्रामर भी सर वहाँ पे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जी सर ठीक है थैंक यू सर ओके